लगता है जैसे उन्हें किसी ने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि एक दो महीने के अंदर में ही तेजस्वी की ताजपोशी होने वाली है और 15 अगस्त को वो गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे सीएम के तौर पर। देश के प्रधानमंत्री के चेहरे न बने लेकिन विपक्ष के संयोजक बन जाए तो इतना भी काफी होना चाहिए नीतीश कुमार के लिए। देश भर की जो विरोधी ताकतों को एकजुट करना मोदी के खिलाफ, ये बड़ी चुनौती का काम है। जैसा कि लालू यादव ने एक समय अडवाणी के रथ को रोका, तो आप समझिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कुछ दिनों पहले तक कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार हारे हुए नेता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से 23 जून को विपक्षी एकता बैठक का डेट फिक्स किया गया है। क्या उस दिन सभी विपक्षी दल नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा घोषित करेंगे? यह एक बड़ी बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि नीतीश के बाद कौन बिहार के लिए एक बड़ा यह हो सकता है, नीतीश के बाद किसकी ताजपोशी होगी? क्या अगर राहुल गांधी बिहार आ जाते हैं तो क्या तेजस्वी बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या उनकी ताजपोशी होगी? क्या अगला जो 15 अगस्त है उसमें गांधी मैदान में क्या तेजस्वी यादव तिरंगा फहराएंगे? इन सब मुद्दों को लेकर के हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। सर, क्या लगता है इस बार जो राहुल गांधी अगर आ जाते हैं बिहार में तो क्या तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी? ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि तेजस्वी यादव जितना हमें लगता है कि सीएम को बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कौन से तारों को लड़ना होगा आपस में, कौन से ग्रहों को नक्षत्रों को सीधा होना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव का ताजपोशी होगा। पिछले 2020 के चुनाव में तो बनते बनते रह गए थे, 17 में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर रिप्रेजेंट थे लेकिन नीतीश कुमार ने ही उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया। तो क्या इस बार सब कुछ सही हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव बन जाएंगे सीएम या उनको जैसा कि ललन सिंह ने कहा कि 25-26 तक इंतजार करना पड़ेगा? अगर नीतीश कुमार की चली तो नीतीश कुमार के वादे के हिसाब से, और नीतीश कुमार ने अपने वादा निभाया, तब तो तेजस्वी ताजपोशी जल्दी करनी होगी। सियासी चर्चा भी बिहार में जबरदस्त हो रही है, सभी लोग यही कह रहे हैं, खासतौर पर राजद के लोग बहुत आश्वस्त हैं। लगता है जैसे उन्हें किसी ने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि एक दो महीने के अंदर में ही तेजस्वी की ताजपोशी होने वाली है और 15 अगस्त को वो गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे सीएम के तौर पर। सर, ये भी जो हो सकता है, ललन सिंह भी तो जो है कि सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सर, जो राहुल गांधी की आने की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उस कारण से वो यहाँ आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आ रहे हैं। आपको पता होगा कि इनके सीएलपी लीडर अभी बदले हैं। हमको तो सर ये समझने की कोशिश, ऐसे में क्या लगता है नीतीश कुमार क्या सीएम की कुर्सी उनको दे देंगे, क्योंकि दबाव के तहत हमको नहीं, इतना आसान नहीं है। हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं। जहाँ तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने कहा कि वो आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, वहीं आपको पता होगा कि जो उनके पुराने सीएलपी लीडर हैं जिन्हें 10 दिन पहले ही बदला गया है, अजीत शर्मा, उनका बयान क्या है? क्यों नहीं आया, हमको तो पता ही नहीं कि बिहार आ रहे हैं। मांझी जी का बयान क्या है? उनको भी यही बयान कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया है। जब घर में आप न्योता नहीं दिए हैं, जब आपके घर के चचेरे फुफेरे ममेरे को नहीं पता है कि आपकी शादी हो रही है, तो दूर से लोग आएगा न्योता लेके, गारंटी है आपकी? कोई गारंटी नहीं है सर। निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार ने जो तैयारी की है, राष्ट्र भर में घूमकर जाकर लोगों को सचेत किया है कि नरेंद्र मोदी को रोकने का एक लास्ट मौका है, चलिए हम आप लोग को ट्राई करते हैं साथ में मिलकर। इसके बाद नीतीश कुमार भी लड़ने नहीं जाएंगे। आप जान लीजिए कि इसके बाद नीतीश कुमार भाजपा से कोई साठगांठ करके और अपना अलग एडजस्टमेंट कर लेंगे। सर, एक क्वेश्चन और उठता है, हालांकि टीएसपी की ताजपोशी जब तब होगी ना जब नीतीश को पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर सबसे बड़ा क्लॉज यही है कि नीतीश कुमार पीएम बने, नीतीश कुमार बिहार छोड़े। देखिए, बिहार नीतीश कुमार डायरेक्ट पीएम बनकर ही कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। राजद इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने के लिए बिहार में सत्ता परिवर्तित की है। जी, वो ज्यादा विधायक लेकर बिहार में आई है इस गठबंधन में, तो इसलिए नहीं आई है कि नीतीश सीएम रहे। उसने भी कुछ शर्तें रखी हैं, वो भी कुछ समझ के चल रही है। जी, उसे लगता है कि यदि नीतीश कुमार
देश के प्रधानमंत्री के चेहरे ना बने लेकिन विपक्ष के संयोजक बन जाए तो इतना भी काफी होना चाहिए नीतीश कुमार के लिए। देश भर की जो एक विरोधी ताकतों को एकजुट करना मोदी के खिलाफ, ये बड़ी चुनौती का काम है। ये बहुत इसमें संयम लगेगा, बहुत समय लगेगा और बहुत ऊर्जा उसमें लगेगी, और वो नीतीश कुमार सीएम के पद पर रहते हुए नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने इशारा किया कि मेरे बाद अब यही संभालेंगे। सर, अभी आपने बोला कि विपक्ष का रोल निभाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा लगता है विपक्ष के रोल में हमको नहीं लगता, जब वो पीएम या नीतीश कुमार तो ऐसे राजनेता है कि जब तक वो कुर्सी नहीं देख लेते कि हमको यहाँ फिक्स है कुर्सी, उसी का देखिए उसी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिहार में जो आह्वान हुआ है कि आइए 23 तारीख को, उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये तो कम से कम हो ही। लेकिन अब जान लीजिए, जहां इस बात का डर लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगी, वहीं केसीआर ने तो मना कर दिया, नवीन पटनायक पहुंचेंगे नहीं, केजरीवाल संशय में रखे हुए हैं चीज़ों को। और आप जान लीजिए कि अगर ये सारी परिस्थितियां बिगड़ती नजर आएंगी तो राहुल गांधी अंत में कोई बहाना करके खड़गे को भेज सकते हैं, यही सबसे बड़ा डर है। और अगर आप जान लीजिए कि राहुल गांधी आ जाते हैं और राहुल गांधी की मौजूदगी में ममता बनर्जी, अखिलेश और केजरीवाल आ जाते हैं, तो साउथ के दलों का मैं बहुत जिक्र नहीं करूंगा, इन सभी को खाली एकजुट हो जाने से नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चलिए अब लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार उन लोगों में से हैं कि जब तक पूरा कॉन्फिडेंस उनको नहीं दे दीजिएगा तब तक वो उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। और अगर नीतीश कुमार को इस बात का कॉन्फिडेंस 23 तारीख को हो जाता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि राहुल गांधी नहीं आए या यदि राहुल गांधी के साथ शेयर करने की मंच कोशिश नहीं की केजरीवाल, अखिलेश सिंह और ममता बनर्जी ने, जैसा कि केसीआर ने नवीन पटनायक ने लगभग कंफर्म कर दिया है, तो आप जान लीजिए कि चाह कर भी ना तो नीतीश कुमार कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे इस विपक्षी एकजुटता का, मन ही फट जाएगा उनका, समझ लीजिए, क्योंकि इतना काफी है किसी को कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। आप देखिए कि विजेंद्र चौधरी जो उनके ऊर्जा मंत्री हैं, उनका क्या बयान था, उनका बयान था कि नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा हो ही नहीं सकता है। जी। ललन सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि नीतीश जी आपसे बेहतर नहीं हो सकता है कोई विकल्प। आज तो तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है कि यह जो रथ है विजय रथ है नरेंद्र मोदी का, भाजपा का जो विजय रथ है उसको जो है कि नीतीश कुमार ही रोके, जैसा कि लालू यादव ने एक समय अडवाणी के रथ को रोका। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कुछ दिनों पहले तक कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार हारे हुए नेता है, नीतीश भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीतीश के पास इच्छा शक्ति नहीं है, यही तेजस्वी यादव। और यही तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रोक देंगे, मोदी के रथ को रोक देंगे। निश्चित तौर पर ये एक बात घुमा के कहना हुआ, कान घुमा के छूना हुआ कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा हो सकते हैं। जी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, तेजस्वी से कुर्सी बहुत दूर नहीं है सीएम की। जी। अगस्त में फहराने का मौका भी मिल सकता है। जी जी। लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव को एक बड़ा जिम्मेवारी निभाना होगा, राहुल गांधी की मौजूदगी यहाँ सुनिश्चित करनी होगी, और राहुल गांधी के मौजूदगी में ममता, केजरीवाल, अखिलेश, केसीआर, इन लोगों को जुटाना होगा। तो ये हमने आपको समझाया कि 23 तारीख को विपक्षी एकता का बैठक होना, उसमें किस प्रकार से जो है कि नीतीश कुमार पीएम फेस जो है कि बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा ये तो उस दिन तय होगा। इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।